बिना में पीऊ वही पीऊ वही सीऊ। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, लेकिन प्रेम प्रेम संगीत है, प्रेम न चीज है कोई। आठ पैर भी गा रहे हैं प्रेम कहा न सोए, प्रेम गली अस्सा कही जावे तो न समाये, शीश उतारे भुई धरे वो बैठे भरमाए। संत मत खाना का घर नहीं है, संत मता घर जात का चलता बंधन छोर, संत मत हाथी को मत जैसे हाथी अभी रस्ता जाए कुत्ते भूखा करते, क्या हाथी कुत्तों की आवाज खराब में सुनने लगता, अगर सुनने लगेगा तो रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। संत मत के प्रेमी का निशाना मालिक को पानी का अपने घर जाने का, इसके बीच में कौन क्या कह रहा है कुछ नहीं सुनता, उसको केवल अपने लगन घर जाने की, बीच में कोई किसी की बात स्वार्थ व्यवहार को नहीं पकड़ता, एकदम विशुद्ध परमात्मा को पकड़कर गुरु के वचनों को पकड़कर विश्वास के साथ उस पर निरंतर चलने का प्रयास कर रहा है, एक न एक दिन अपने घर पहुंच जाएगा। रास्ता तो कठिन है, जैसे जब गांधी महात्मा ने हिंदुस्तान में आवाज लगाई कि मेरा राज होगा, मेरा स्वराज होगा, मेरी व्यवस्था होगी, मेरा अधिकार होगा, तो अंग्रेज हंसते थे, कहा रे गांधी क्या तू पागल हो गया क्या, मैंने जिस नींव को मजबूत बनाने में पौने 200 वर्ष लगा दिए, क्या तू मेरे उस मजबूत नींव को उखाड़ के फेंक देगा। गांधी जी ने बड़े मीठे स्वर में उससे अंग्रेजों से क्या कहा, यानी इस पर कहा, वन स्टेबिलिटी ऑफ फार्मी आई डू नॉट लाइक फार्मी डिस्टेंसिंग, कि मैं एक कदम पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, जब एक कदम जो 27 इंच पर फौजी कमर एकदम 27 इंच पर पड़ता, कहा एक कदम जब मैं विश्वास के साथ निकालूंगा तो एक न दिन अपनी उस लंबी दूरी को तय करूंगा। प्रेमियों ये आस्था विश्वास होना चाहिए, गुरु के बच्चों को अगर पकड़े हो तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, अगर तुम उस सफलता में सत्यता को जोड़े हो तो, निर्भीकता को, दृढ़ता को, कृतज्ञता को अगर आपने जोड़ा है तो वो सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी, लेकिन तुमको विश्वास होना चाहिए, बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। तो जब ऐसी मजबूती गांधी विचारधारा कितनी मजबूत थी, जब अंग्रेज उसको दंडित करते थे तब गांधी खद्दर के कपड़े पैरी लपेट करके बगल में दाब करके जंगलों में आवाज लगाते थे, एक दिन आजाद हो जाऊंगा, मेरा देश आजाद हो जाएगा, आजादी मेरी गोद में आ जाएगी, इस तरह की आवाज, और उस महात्मा की आवाज सिद्ध हुई और आजादी आपको मिली, लेकिन आप उस आजादी को रख नहीं पाए, आज वो आजादी पूर्णतया बर्बादी की कगार पर खड़ी होकर रो रही है, आंसू बहा रही है, कोई सुनने वाला उसके आंसुओं को पूछने वाला, आपको यह सब विचार करके रखना चाहिए। बाबा जी ने एक आवाज लगाई थी कि स्वामी जी की वाणी है, कलयुग में सतयुग आएगा और जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये छोटी मोटी आवाज बहुत कि भारत भूमि की रक्षा लज्जा है बचाई संतों ने, और लोक और परलोक बने ये युक्ति बताई संतों ने, होगा अखंड भारत ये फिर से तब विश्व गुरु।
लाएगा और जग में जे गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जिस आजादी पर खड़े हो ये 80,000 को नहीं मिली थी, तमाम वीर लोग कुर्बान हो गए, तमाम माताएं निपूती हो गई, तमाम बहनों का सुहाग लूट गया, तब ये आजादी का दर्शन हमें आपको मिला। लेकिन इस आजादी को आप रख नहीं पाए। आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी आज रुलाती है और माँ बहनों की इन लाज लुट रही, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? गांधी जी के अधूरे सपने अब पूरे यही कराएंगे और जग में जे गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएंगे। स्वामी जी की वाणी है कलयुग में सतयुग आएगा और जग में प्रेम प्यार मोह पर सेवा दिया, सदाचार परमात्मा की यादगार बनी रहे, माँ बहन बेटी बहू की पहचान बनी रहे। इसलिए भारत भूमि पर ये रखो भी गई जमीन मंदिर मस्जिद के जागर गुरुद्वारों में ये नहीं गई, लेकिन धर्म कहीं दिखाई दे रहा। क्या जमीन घेरने में इमारत बनाने में धर्म आ जाएगा? और अरबों खरबों रुपए की धनराशि ऋषि मुनि योगी महर्षियों की शिक्षा छापने में कागज में खर्च कर दी गई, क्या कागज पढ़ने बांटने सुनने सुनाने में धर्म आ जाएगा? आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। 1 करोड़ साधु महात्मा, पीले काले सफेद लाल कपड़े पहनने वाला, दाढ़ी मार रखने वाला हिंदुस्तान में 1 करोड़। अगर एक एक साधु ने 10 आदमियों को ठीक किया होता तो प्रेमी आज हिंदुस्तान में 10 करोड़ आदमी से चले गया। इसका मतलब इन्होंने भी आदमी नहीं ठीक किया, केवल अपनी रोटी अपने कपड़े अपने मान सम्मान सामान को बटोरने में लगे रहे, लेकिन देश समाज और धर्म के प्रति कोई क्या नहीं। यह सबसे बड़ा सजय पानी के अधिकारी है, जो धर्म को छिपाता है सत्य को छिपाता है वो तो राष्ट्रद्रोही धर्मद्रोही सत्यद्रोही ही माना जाता है। तो आपको देव सब विचार करके रखना चाहिए। वेदव देखिए, ब्रह्मा जी ने 4 वेद लिखे, क्या उन्होंने कोई सेवा सामान रुपया पैसा दान दक्षिणा किसी से मांगा था? श्रीमद भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने की, क्या उन्होंने कोई सेवा सामान रुपया पैसा दक्षिणा किसी से मांगा था? रामचरितमानस की रचना संत गोस्वामी जी महाराज ने की, क्या उन्होंने किसी से रुपया पैसा सेवा सामान दक्षिणा मांगा था? जिन्होंने लिखा जिनका अनुभव एक्सपीरियंस उन्होंने कुछ नहीं, और ये सुनाने वाले देश को लूटे दे रहे। आपका फर्ज बनता, आप देश के सच्चे नागरिक हो, धार्मिक नागरिक हो, आपका भी उत्तरदायित्व बनता है कि ऋषियों मुनियों की सुस्तात्विक विचारधारा को बिक्री न होने दे, धर्म को दांव पर न लगने दे, धर्म को व्यापार न बनाने दे। यह सबका उत्तरदायित्व था। आपने कुछ किया है कि आप धर्मद्रोही नहीं हो? अरे भाई, चोरी करने वाले को उठा के जेल में बंद किया जाता है कि आगे चोरी कि यह संक्रामक रोग आगे बढ़ने न पाए। लेकिन तुमने किसी को पता? किसी ने कहा ये क्यों कर रहे हो, तुम्हारा इसमें क्या है? क्योंकि ऋषि मुनि जिन्होंने लिखा साधु संत महात्मा
था ज्ञान अर्जन, सबको ज्ञान अर्जित करा दिया जाए, सच्चाई की जानकारी सबको समय की दे दी जाए, ताकि इनको कोई धर्म के रास्ते पर ठग न पाए। लेकिन सुनाने वालों का लक्ष्य क्या है? धनो उपार्जन। उनका था ज्ञान अर्जन, इनका था धन उपार्जन। कि प्रेरणा कैसे आएगा, धन कैसे, सामर्थ कैसे मिलेगा? आज पहले धर्म शास्त्रों की महिमा कहां चली गई? कि वेद शास्त्र की लगी दुकाने और धर्म बिकला पैसों में और खून पसीने इक्की कमाई और जाति भोग विलासों ने जय गुरु जो आवाज लग रही और सबको होश आ जाएगा और जग में जे एक गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। स्वामी जी की वाणी है कलयुग में सतयुग आएगा और जग में जे एक गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। जय समाज देश धर्म और मानवता की यह आदत है, पर कोई कहने वाला नहीं क्या सब बदलाव नहीं होते, क्या सबको सजा धर्म की तरफ से नहीं मिलेगी? आपको ऐसा विचार करके रखना चाहिए कि आज देश में धर्म की नैया एक कैसी जगमग ढोल रही और माँ बहनों की इलाज लुट रही, ये भारत माँ है रोए रही। देखिए कि वेद पुराण भागवत गीता इनकी बात कोई नहीं सुनता, गंगा यमुना सरस्वती अब पापों से अकुलाए रही, माँ बहनों की इलाज लुट रही, ये भारत माँ है रो रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की इलाज लुट रही, ये भारत माँ है रो रही। आया समय बड़ा बेदंगा, नाच रहा नर हो के नंगा, अंडा मुर्गा और शराब में सबकी मती पुराए रही, अम्मा बहनों की इलाज लुट रही, ये भारत माँ है रोए रही। आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही, माँ बहनों की लाज लुट रही, और भारत माँ है रोए रही। प्रेमियों कब ऐसा समय होता है कहते जब कोई किसी की बात नहीं मानता, न धर्म की न कर्म की, न वेद न पुराण भागवत गीता की, न गंगा जमुना तीर्थ की, न मंत्र यानी मंदिर मस्जिद की जागरण होता, सबकी शिक्षा तारी कोई इंसान जब भुला देता है तब ये कुदरत क्रूर समय अत्यंत भयावह स्थिति मार काट की हिंसा खून खराब होती सामने लाके खड़ी कर देती है। आपको यह सब विचार करके रखना चाहिए था, हमारे हिसाब से तो कलयुग का जीव सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कलयुग के जीव के सामने तीन तीन अच्छे युगों का इतिहास लिखा रखा, सतयुग त्रेता द्वापर ऋषि मुनि योगी महर्षि और सारी शक्तियां समाज सुधारक, यह सब आपके सामने आते जाते रहे, इतना बृहत इतिहास लिख के रखा गया
कि कलयुग का जीव सबसे अच्छा हो जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया, कलयुग का जीव सबसे ज्यादा खराब। इसका मतलब आपने किसी की बात मानी है? अगर मान लिया होता तो ये हालात बदल जाते। इसलिए कहा भी जाग जाओ, चल जाओ, जो समय बचा है उसी में प्रयत्न बना लो कि अब भी जागो जतन कुछ कर लो, 84 का फेर बचा लो, मानव जन्म फेर न मिली है, ये फिर था पूंजी जाए रही, अम्मा पहलों की इलाज लुट रही, ये भारत माँ है रोए रही, आज देश में धर्म की नैया कैसी जगमग डोल रही, अम्मा बहनों की इलाज लुट रही, अब भारत माँ है रोए रही। प्रेमियों, ये हालात है देश, क्या धार्मिक देश हम कहलाने के अधिकारी बचे हैं? कई धर्म की चर्चा आपको सुनाई देती है, मानवता, सेवा, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, ध्यान, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की रक्षा, हिफाजत कहीं पर होते आप सुनते सुन रहे। जो प्रचार के साधन आप यहाँ बनाए गए कि जन जन के काल तक जानकारी दे दी जाए, अखबार, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, इन सब पर मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, सुसाइड और दुर्घटना, अपहरण, इसके सिवा कोई सच्ची बात नहीं। क्या ये धार्मिक देश की धार्मिकता है? इसके क्या कोई धर्म की चर्चा है? आज धार्मिक देश पर हिंदुस्तान में जितनी सड़कें कहीं चले जाओ, कहीं पर राम का साइन बोर्ड, कृष्ण का, हनुमान का, शंकर का, देवी देवता का तो बहुत कम, लेकिन शराब के स्वयं बहुत सारे हिंदुस्तान में डाल दिए गए। क्या ये देश की धार्मिकता है? क्या धार्मिक देश का ये खान पान है? क्या आने वाला समय, आने वाली कुदरत क्या तुमको माफ कर देगी? तो यह सब क्या चला जाए? इसीलिए दुख को देखकर कहना पड़ रहा है, धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा, धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज बीमार पड़ा, और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही और फिर भी मन में पाप बढ़ा। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। सत्यो चर्चाएं धर्म की, पूजा पाठ धर्म का, गंगा स्नान धर्म का, तीर्थ धर्म का, मंदिर बनाए जा रहे धर्म के, लेकिन धर्म कहीं दिखाई दे रहा? यानी बात धर्म की बढ़ रहा धर्म, काम पुण्य का बढ़ रहा पाप, काम मानवता का है सद्दानों का, काम रहे मोर्दिया का मार का हिंसा, काम है रक्षा हिफाजत का, आया चोरी निकलती कर रो। प्रेमियों, कोई चीज तुमने रखी इतिहास की? धर्मशास्त्रों की किसी शिक्षा को आपने सम्मान दिया? यह सब खत्म हो गया। धर्मार्थ हो या परिचय दे, स्वदेवी घसा श्री प्राण धंधा लाभ क्षिप्रम साफ परिहते, स्वाद और इंद्रियों के वशीभूत होकर जो आपने समय समय पर धर्म और मजहब को तिराजली दी है, अच्छी तालीम शिक्षा को आपने जो नकारा है, बहिष्कार किया है, आज उसी का परिणाम कि हम सब लोग परिवार से दुखी है। दुख का प्रमुख दूसरा कारण नहीं है, अपने कर्म ही दुख के इतिहास को बनाती है और तुम्हारे अच्छे कर्म ही सुख का इतिहास बनाते हैं। ये बनाओ विवाह सब तुम्हारे ही हाथ में, लेकिन आपने जब किसी चीज को जाना माना पहचाना नहीं तो सब धोखा ही होता। समृद्ध गुरु समय से इसीलिए आए थे क्योंकि समृद्ध सदगुरु का आगमन इस भारत भूमि में केवल जीवात्माओं को जगाना
करने वाला अपने नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्मों को इनके सच्चे देश मुकाम मंडल रूप पहुंचा रहा ही होता है। दूसरा उनका कोई कार्य नहीं। तो क्या कहा था, इस धर्म के सटी धर्म भूमि पर और धर्म आज भी मार पड़ा, धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही और फिर भी मन में पाप बढ़ा। ऐसा क्यों हुआ कि भूल गए तुम राम कृष्ण को और मोहम्मद की वाणी, चंद्रशेखर आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी। यहाँ सब शराब में शराब हो, जहाँ सब शराब में शराब हो, ये कैसा संकट आने पड़ा और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही और फिर भी मन में पाप बढ़ा। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज भी मार पड़ा और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही और फिर भी मन में पाप बढ़ा। ऐसा क्यों हो रहा है प्रश्न है और इस प्रश्न के हम सब लोग निर्णायक निर्णय हमें आपको लेना है। हम सब धार्मिक धर्म के ही पुत्र सपूत कहलाती है और ये धार्मिक धर्म पर इतना बड़ा अत्याचार हो रहा हो तो हम सब सपूतों का काम बचाने का है कि कायरों का काम है। यह सब विचार आपको करना पड़ेगा समझ। देखिए कि देवालय और मदिरालय में अब तो कोई फर्क नहीं, देवालय माने मंदिर मदिरालय माने सारा कुछ ठीक है, दोनों में श्री राम का कैलेंडर चला हुआ है। ये नहीं पता चल रहा कि सच्चा मंदिर कौन है और किसी राम भक्त ने इतराज भी नहीं किया कि अखाद पदार्थ बेच रहे हो, ये भगवान का स्थान नहीं है, तुम ये क्या कर रहे हो। किसी राम भक्त ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्यों शाम को उनको दी जाए। कहते सीताराम शाम को 250 ग्राम उनको नहीं चाहिए, बगैर शराब के पूजा नहीं होती। यह सब एकदम पूजा का सारी भोग का व्यवस्था ही आपने बदल दिया तो उसी की सजाए बनकर तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। किसी देवी देवता का अपमान करोगे तो क्या तुमको कोई इनाम मिलेगा, पिता के भागीदार को तो नहीं जाओगे। क्या कह रहे हैं कि देवालय और मदिरालय में अब तो कोई फर्क नहीं और सुरा सुंदरी इत्पाद कर रहे और समझे कोई नरक नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके सिर पर भूत चढ़ा और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही और फिर भी मन में पाप बढ़ा। प्रेमी सुधार कब होता, इंसान क्यों बह गया है, क्यों गिर गया है, क्या गया है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, इनको किसी का डरना और अंडा मुर्गी मछली बकरा निस्दिन खाते रहना। जीव हिंसा है स्वाद जीव का, कहते भोजन साग बना और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही और फिर भी मन में पाप बढ़ा। इस धर्म देश की धर्म भूमि पर और धर्म आज भी मार पड़ा, धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही और फिर भी मन में पाप बढ़ा। देखिए यह सब लोग दोषी हो क्योंकि उसी धार्मिक धर्म पर सब लोग रह रहे हो।
जिस जमीन पर रह रहे हो, जिस जमीन धरती को ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या त्याग से गौरवान बनाया, आज आप उनकी छवि को धूमिल कर रहे हो। क्या यह छोटा मोटा अपराध है? यह सब आपको ध्यान में रखना चाहिए था। तो कहते सुधार होगा कैसे, इसकी कोई युक्ति है? क्या यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, होगा धर्म तभी कायम, यथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक होगा तो निश्चित धर्म का प्रचार होगा और धर्म को ही प्राथमिकता देगा। तो यह किस पर निर्भर है? यदि धर्मी राजा हो अधिकारी, होगा धर्म तभी कायम, मदिरा मांस के अपनाने थे ये हो गया सारा मुल्क खत्म, कहे गुरुजी बने कानून और हो जाए यदि नियम कड़ा, और धर्म ग्रंथ की चर्चा हो रही और फिर भी मन में पाप बढ़ा। अगर एक कानून बन जाए, अगर कोई बकरा मारेगा तो उसका एक कान काट दिया जाएगा, कोई मतलब मुर्गा मारेगा तो एक उंगली काट ली जाएगी, तो प्रभु कोई ऐसा नहीं करेगा। यह कानून ही देश को चलाता है, कानून ही देश की मर्यादा है। जब ऐसे कानून बना दिए, चाहे मुर्गी मारो, बकरा मारो, अंडा फोड़ो, किसी को लूट लो, किसी को ठग लो, किसी की बेईमानी कर लो, किसी ने भोजन को ले लो कुछ, तो फिर तुम शांति हो जाए। क्या ऐसे शांति मिल जाएगी? अरे तुम्हारी शांति क्रांति भ्रांति अशांति के बीच में फंसी पड़ी है, कौन निकालेगा? इसलिए कहा गया था जब सत्य देश से कोई शांति दूत आएगा, वो यहाँ पर लोगों को जब युक्ति देगा, शांति के मार्ग पर खड़ा करेगा, तो शांति आएगी। और आपके लिए प्रचार किया गया था, और आपने भी प्रचार किया था कि विश्व को सुख शांति इसी नाम से मिलेगी, और विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी। अब इन्हीं को कहते हैं कि मर के चले गए, तो सच्ची सुख शांति कौन देगा? है किसी के पास? तब कहा गया था कि कहीं शांति ही ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, हम इसकी नदी हर तरफ बह रही है, हविष की नदी हर तरफ बह रही है, न राजा को शांति न रैयत को शांति, व्यवस्था कहाँ जा रही है।
लड़ाई छिड़ी जा रही है, सबों में लड़ाई छिड़ी जा रही है, सबों में बुराई बढ़ी जा रही है, सबों में बुराई बढ़ी जा रही है, और कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, और हम इसकी नदी सब तरफ बह रही है, हम इसकी नदी सब तरफ बह रही है, प्रेमवा धारा देश राष्ट्र मुल्क परिवार मानव इंसान का यह हो गया, चारों तरफ तबाही, रामराज की आपको क्या शिक्षा दी जा रही, रामराज का इतिहास इसी भूमि पर, राम ने राज किया था, उनके राज में क्या लिखा, दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज का हो नहीं गया था, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं था, और आज किसी को किसी प्रकार का सुख नहीं है, बिल्कुल एकदम उल्टा हो गया। तो तुमने रामराज को कलंकित नहीं किया, भगवान राम की भूमिका व्यवस्था को कलंकित नहीं किया आपने, ये सब देखिए उनके राज में क्या था कि सब मिलकर ही परस्पर प्रीति अचल स्वधर्म वेद श्रुति नीति, सब पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत रहते थे, वेदानुकूल नीति सिद्धांत नियम पर चलते थे, सब गुरु का कहना मानते थे। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र दो दो गुरुओं पर गति पर पदासीन किया, जब राजनीतिक व्यवस्था बिगड़ती तो गुरु वशिष्ठ से सलाह लेते, धर्म व्यवस्था बिगड़ने पर विश्वामित्र से सलाह लेते, भगवान ने दो दो गुरुओं का प्रमाण दिया है। आज का इंसान कहता गुरु गुरु कुछ है, गुरु गुरु क्या होता, तो देख लो राजनीति चलाई जा रहा कि घसीटी जा रही, विचार कीजिए आप, तब तुम्हारी समझ में आएगा इस भारत भूमि पर हमेशा गुरुओं ने राज किया, संतों ने राज किया, फकीरों ने राज किया, भगवान ने राज किया, नेता शब्द कहीं कहीं नहीं आया। कोई युग का वेद पुराण इतिहास उठा लो, नेता शब्द एक ही नेता नाम आया है, वो सुभाष, नेता सुभाष चंद्र बोस, जो सत्या नेतृत्व करने जाता है। यहाँ नेता की परिभाषा क्या है, जो सबसे सब कुछ लेता हो, किसी को कुछ न देता हो उसको नेता कहते हैं, किसी तरह का कोई काम नहीं। तुमने कितनी बार चुनाव किया, चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया, लेकिन तुमने जिनको चुना है उन लोगों ने तुम्हारे कोई हित का काम चुना भी था, फिर चुनाव का मतलब क्या निकला, लूटपाट, लूटपाट स्वार्थ, अपना लाभ अपना पेट भरना। आप कब समझोगे, गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए विशुद्ध राजनीति की परिभाषा रामचरितमानस में क्या दी है कि राजनीति बिनु बिन धर्मा अप्रभु समर्पे इन सत्कर्मा, राजनीति बिना विशुद्ध कमाई के, बिना धार्मिक लोगों के विचारधारा के नहीं चलाई जा सकती है। पर कहा कभी सत्य ईमानदार भक्त लोग ऐसे लोगों का साथ नहीं देते। गोस्वामी महाराज ने आपको इशारा करके क्या मना किया, रामचरितमानस में कि सुन खगपति इस मुझे प्रसन्ना अब बुध नहीं
गंदे कर्म क्रियाकलाप करने वालों को कभी अपना समर्थन विचारधारा अपनी नहीं देती है। लेकिन आपने किसी भी बात न धर्म शास्त्रों की बात मानी, न जो साधु संत महात्मा की होती बात मानी, न मानने का परिणाम आपके सामने खड़ा हो गया। सब रो रहे, सब चिल्ला रहे, बताओ ऐसी फैशन परस्ती दुनिया में झूठ बोलने वाला, खिलाफी करने वाली, धोखाधड़ी बेईमानी करने वाली दुनिया में है इंसान, तुम्हारा क्या भला हो सकता है? जहां पर आदमी एक मिनट में बात बदल बैठा, पहले लोग कहते थे लाख जाए पर बात रहे, आज कहते लाख मिले चाहे हर बात चली जाए कोई परवाह नहीं, इनको अपने बात वचन का कोई परवाह नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने इशारा करके कहा, अरे अब भी समझ लो, जान लो, पहचान लो कि से युग की बदलती दुनिया में, इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, इंसान तुम्हारा क्या होगा, जब छाया रहेगा Okay.
अरे काम तो किसी
किसी और ने किया है, लेकिन तू वो तुम्हारे सामने खड़ा, लेकिन फिर भी तुम पहचान नहीं सकते हो कि अर्जुन ने कैसे को पहचान था। कह रहे थे ये तो मेरा साथी है, ये मेरा मित्र है, और रिश्ते में का मेरा साला है, ये रिश्तेदारी। लेकिन ये नहीं समझा कि भगवान है, ये इसने मेरा इतिहास बनाने के लिए मुझको पीछे रखा, अपना आगे खड़े हुए कि जितना वार होगा मेरे पर आएगा, ये सुरक्षित बचा रहेगा। और फिर भी नहीं समझ पा रहा है कि हमारी मदद रक्षा ही बन कौन कर रहा। जब 24 घंटे साथ रहा तब तो वो समझ नहीं पाया, अब तुम कहां से अपने सदगुरु ध्यान को पहचान दोगे, तुम्हारे पास कौन सी पहचान है, तुम्हारे पास तो कोई पहचान ही नहीं। अब कृष्ण बहुत सोच जाती है, ऐसा नहीं कार्य भूल जा, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हार क्रोध वंश होता था। मैंने गांधी धनुष मैंने चलाया, टक्कर से बाहर मैंने हाथ से निकाले, मैंने इनको मारा उनको मारा, और ये कहते तुमने कुछ किया नहीं, हम कैसे मार ले। लेकिन कह रहे थे अरे कराने वाली शक्ति को और रहे, तुमने नहीं किया, जब नहीं माना तो एक दर्श दिखाया उसको। अर्जुन देख कुल वीर गोपिकाओं को लूटे ले रहे, अभी तेरे कंधे पर गांधी धनुष है, तू भी ये तरकत बाढ़ लेकर आगे देख रहे। कहा कि भगवान सब कुछ है लेकिन आपकी दया नहीं है। सब दया समझ में आई, तो समझाया, समझाते समझाते ये गीता का चयन हो गया। ये कृष्ण के आक्रोश क्रोध नहीं, आक्रोश आवेश। सत्य वचन में हमेशा आवेश होता है, क्रोध नहीं होता, और भी जीवों को समझाने के लिए। लेकिन वो नहीं समझ रहा था, तो भगवान कृष्ण को एकदम स्पष्ट खोल के कहना पड़ा, सर्वधर्मान परित्यज, सर्वधर्मान परित्यज मम एकम सर्वम रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षं सर्वासुच। सारे मत को तांतर सारे फिरको को छोड़, केवल मेरे अधीन हो जा, मैं तेरा काम कर दूंगा। जहां तक की पहुंच थी वहां तक की आवाज किसने लगाई, लेकिन पांचों पांडव 24 घंटे कृष्ण के साथ रहे लेकिन पहचाना नहीं, इसलिए प्रेमियों पांचों के पांचों नृत्य में चले गए। साथ में रहना काफी नहीं है, बल्कि साथ की महिमा को, संघ की महिमा को समझो। तुम संघ लाभ नहीं लेते हो, संघ दोष लाभ लेते हो, इसलिए संघ में रहने का भी तुम्हारा लाभ नहीं ले पाता, तुम इसलिए से वंचित हो जाते हो, क्योंकि वो बहुत सीधे सरल स्वभाव में रहते हैं, तुम उनको कुछ नहीं पहचान सकते। लेकिन जब उनका काम देखते हो कहते ये तो कभी इशारा ही नहीं किया गया था, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ये कुछ नहीं। जब तुम देखते हो उतनी देर तो कहते बहुत बढ़िया, इसके बाद फिर भूल जाते हो, कहते नहीं नहीं ये सब हमने किया, आपने तो केवल आदेश दिया, बाकी हमने सब किया। तुमको नहीं मालूम कि आदेश में ही तो दया छिपी हुई है, वही दया ही काम करा रही है आपसे। इंसान कुछ नहीं कर सकता है, किसी के बस की बात नहीं है, अगर बस की बात होती तो राम जनकपुरी में जाकर के धनुष जबरदस्ती उठा दौड़ लेंगे, क्योंकि धनुष विद्या की सारी शिक्षा विश्वामित्र अपने आश्रम में रहकर राम को सिखाती थी। फिर लेकिन जब अजी का धनुष सामने आया तब कहते नहीं, बिना गुरु के आदेश से कुछ, और उनको परिचय भी दिया गया राम को, देखो बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पा रहे, हजारों योद्धा मिलकर गए वो भी नहीं उठा पा रहे। फिर जब गुरु ने आदेश दिया तब राम को शंका पैदा हो गए। अगर शिष्य को बड़ी शक्ति का एहसास हो जाए तो प्रेमियों अहंकार आते देर नहीं होती, इसलिए आपको शक्ति नहीं दी जाएगी, भक्ति दी जाएगी, और भक्ति ही तुम्हारी मुक्ति का कारण बन जाएगी। लेकिन शक्ति को सदगुरु छिपा के रखते हैं,
क्योंकि शक्ति बर्दाश्त करना सत्य बस की बात नहीं है। तो आपको तो छोटी छोटी बातों को समझकर अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए और अपने को भी उस परीक्षा में बैठने की कार्यता हासिल कर लेनी चाहिए, तभी तो गुरु की तरह पहुंच सकोगे, गुरु की भक्ति तभी कर सकोगे। तभी कहते नहीं कि भाव भक्त भादो नदी सभी चली कराए, संता वही सराई है जो जेठ मास ठहराए। बस सावन भादो के महीने में छोटी छोटी नदियां भी कहती मैं भी समुद्र हूं, उभरा की चलती, लेकिन असली कौन नदी है जो जेठ के महीने में अपनी जगह पर बहती हो। जेठ का मतलब तपा हुआ समय, तपस्या का समय। ऐसे तपा हुआ त्यागी साधक कौन है जो हर हमेश एक स्थिति में रहता है, न सुख में गम है, यानी न मतलब दुख में गम है, न सुख में अहंकार है। ऐसा साधक हमेशा गुरु की दया को एहसास करता रहता है कि जाहे भी दिन आखे गुरु चाहे भी दिन ही में। हाँ निराल सहले जो भी हरी रामी ये भी उन्हीं की देन है, इसको बर्दाश्त करूंगा, जैसे रखेंगे उनकी दया कृपा की छाया में ही जीवन यापन करूंगा, अपनी कोई युक्ति नहीं लगाऊंगा। तब तो शिष्य गुरु की दया पाने का अधिकार ही बता, लेकिन तुम तो एक मिनट में इधर एक मिनट में उधर हो जाते, तुम्हें कोई अभी स्थिरता ही नहीं है। बाबा जी ने क्या कहा था, चार बोरा पहनने वालों मैंने तुम्हारे से संकल्प लिवाया है कि ये काम सब कौन करेगा, लगोटी पहन कर तुमने कहा था मैं करूंगा, ये खेती संबंधी संपूर्ण कर्जा मैं ब्याज के इनका कारों का कौन माफ कराएगा, आपने हाथ उठा के कहा कि मैं करूंगा। बोरा बोलो तुम कहां चले गए हो, तुम्हारा इतिहास कहां चला गया। बाबा जी ने अभी कहा मैं ऐसा इतिहास बनाऊंगा, रामकृष्ण की क्या पूजा हुई जो तुम्हारी पूजा करा दूंगा, लेकिन काम तो करो, आदेश तो मानो, अरे भक्ति तो कमाओ। तुम्हारी समझ में गुरु का एक वचन नहीं आया, पर सबके सभ्यता नीति से बीते हो गए। जो कहा था वो सिद्ध हुआ, कहा था आगे भविष्य में एक ऐसा खेल खेलूंगा, ऐसी लीला करूंगा, मेरे खेल को देखकर तुम भ्रमित मत हो जाना और भजन करके मेरा इंतजार करना, उस मेरे छोटे से खेल में मुट्ठी भर लोग बचेंगे, उन्हीं से परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। इतना बड़ा ऐलान है महापुरुष का, क्योंकि हमेशा परिवर्तन में गरीब श्रेणी ही आई हुई है। अमीरों ने तो धन को अपना भगवान माना है, वो इस राजना इसको कहा समझते हैं, समझेगा कोई संत सिपाही जो द्वार तुम्हारे आया, तुम्हारे दर पर तुम्हारी दया की भीख मांगने आया है, वो तो समझ पाएगा। जो संसार का लाभ मान स्वार्थ और पद ये सब लेने आया है वो समझ नहीं पाएगा, बल्कि तुम्हारी दया को छोड़कर चला जाएगा। और आपने कितनी बार कहा है, कितना गाना आपने गाया महापुरुष के लिए कि धुर धाम के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं भूले जी वो पर प्यारे गुरु तब खूब दया पर साते हैं बचना मृत का प्यारा भर भर कर उनको खूब छटाते हैं निज आशिक मतवा करके अपनी पर माने सुनाते हैं।
गंदगी
सब इकट्ठे
कट जाओ। जिस किसी को सतगुरु दया की दया से समय के बचत मिल जाए, गंदगी से बचने की, गंदगी को हटाने की, ऐसे वचन सतगुरु दया की कृपा दया मेहरबानी से मिल जाए, वो तो जी अपने काम कर सकता है। अंत बहुत उसके कर्मों की गति को हटाना, ये ज्ञानी वैज्ञानिक किसी ने उसकी बात नहीं, क्योंकि वहां की पहुंच किसी की नहीं। केवल सतगुरु की दया से जो वहां पहुंच सकती है और वो दया संपूर्ण गंदगी को हटा सकती है। और आपको सोने से यह सब चीज मिला, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। ज्ञान वाला प्रचारों ने सब धोखा धोखा तुम्हारे लिए होगा। महापुरुषों ने कहा, जितना तुमने मसाला ये जोड़ा है बाल का, यही तुम्हारे फसाव का कारण है। हम लोग जब पैदा हुए मां के गर्भ से एक रास्ता आने का ही दिया, तो क्या तुम दुकान मकान जमीन लेके आए थे? क्या रुपया पैसा था उन्होंने लेके कोई फैसला हुआ? या खुद पत्नी बाल अच्छे लेके आप आए? आप नंगे अकेले, कोई कमर पर शरीर तो नहीं कर लेंगे आयो? जब जाओगे ये सामान जो प्रेम का आपको दिया गया ये ले लेगा, फिर तुमको यहां से नंगा करके भेजेगा, और तुमने इस नकली सामान को दूसरे के सामान को इकट्ठा करने में सारा मेहनत मानव जीवन का समय आपने खत्म कर दिया, फिर आपको पछताना होना होगा। महापुरुषों ने समझाने के लिए क्या क्या था कि जिंदगी में हजारों का मेरा जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा करो के उड़ा, न राज राज न कोई रानी रही, सिर्फ कह लो कुछ झूठी कहानी रही, चार दिन का ये झूठा झमेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, ये खजाने गर के गरे रह गए, महर तुम्हें खड़े के खड़े रह गए, अंत में लखपति को नभेला जुड़ा, ये अंश जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, भूला सुतदारा माई परिवार को छोड़ देंगे तुझे समय मझधार में, जय गुरुदेव प्रभु का तुम नाम लो, जय गुरुदेव भगवान का तुम नाम लो, नाम का नाता सुने रहेगा चुना, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, कर्म कर ले कि आजादी तुमको मिली, चाहे अच्छा करो या तुम कर लो बुरा, पेशी होगी खुदा के जब दरबार में, कर्ण तेरी सिफारिश न कोई खड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जब माँ के पेट में कभी कोई साथी नहीं था, यहां से जीवात्मा को धर्मराज के दरबार में जब खड़ा कर दिया जाए न्याय के तट में, वहां भी कोई साथी नहीं जाएगा। ये पहली और अंतिम दोनों घटनाओं से बचने बचाने निकालने का काम तुमने जितना साथी और जितना ये सगे संबंधी आपने बनाए, ये कोई तुम्हारा साथ नहीं है। महापुरुषों ने क्या कहा था,
अभी चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ। चेत प्यारे सभी आचत हो धर्मों पर, चेत प्यारे सभी आचत हो धर्मों पर, सतगुरु की हिदायत का पालन करो। कह रहे हैं गुरु जी न साथ देगा कफन, मौत के दामन में तू अकेला खड़ा। जिंदगी में हजारों का मेरा जुड़ा, ये हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। कहा तुम्हारा कोई साथी? और अपने साथी किसी को बनाया भी नहीं। जिनको बनाया है वो मरघर तक आंसू गिरा के सब वापिस लौट आएंगे। तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। आप इतने दिन से देख रहे हो, अगर पति मरा तो पत्नी साथ में गई है, या पत्नी मरी तो पति साथ में गया, बेटा मर गया बाप साथ में गया, भाई मरा भाई साथ में गया। यह तुम्हारा साथी मरता कोई नहीं है। महापुरुषों ने सारे रिश्तों की जानकारी एक ही शब्द में आपको दे दी कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक एक पत्नी का नाता, तौली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु पर हंस अकेला जाता है। तुमने वहां का साथी बनाया जो यहाँ भी साथी उधर भी साथी, और प्रचार करते रहे यहाँ के साथी जयपुर गए वहां के साथी जयपुर, ये सब प्रचार किया और साथी को बीचे में छोड़ दिया। तो तुमको ले जाए पहुंचाए मिलाए का कौन? विचार करिए आप। सत्संग के दौरान आपको कितनी बार बताया गया कि संगी साथी गुरु को लेना, संगी साथी ही गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति सत्य का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। कितना आपको बताया लेकिन नहीं। देखिए जैसे एक पेड़ लगाता है और फल हाथ से अपने तोड़ा तोड़ के बेच रहा, एक उसे खरीद के बेच रहा, फिर एक उसे खरीद के सुन के बेच रहा है, तो फल का असली देने वाला कौन होगा? जिसने पेड़ को लगाया है वो असली नाम नाम देने का अधिकारी होता है। बल्कि किसी से सुन ले और सुनाने लगे तो वो सुनाने वाला होता, देने वाला नहीं होता है। यह सब आपको विचार करके रखना चाहिए। और बाबा जी ने इशारे में कहा, लोग पेड़ लगाते हैं फल नहीं खा पाते, मर के चले जाते हैं, लेकिन बच्चा मैं सचिव का पेड़ लगाऊंगा, फल खा के जाऊंगा, व्यवस्था बना के जाऊंगा। इतनी बड़ी आवाज, इतना बड़ा चैलेंज है। जिस महापुरुष ने दिया आपने उनकी बात को समझेगा, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, इसीलिए तुम सबसे कसर में भूल बनते चले गए हो। तो यह सब विचार ही विषय है। महापुरुषों ने कितना इशारा किया कि तुम सारे काम जवानी में पूरे करने की कोशिश करते हो कि बुढ़ापे में रिटायर हो जाऊंगा, बुढ़ा हो जाऊंगा, फिर मेरे बस के काम नहीं रहेंगे। सारे कामों की पूर्ति, मकान दुकान, बाल बच्चों का पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह, ये सारे काम तुम जवानी में कर देंगे, लेकिन भजन बुढ़ापे में नहीं छोड़ सकता। जो तुम्हारे जीवन के नित्य किए हुए कर्म बुढ़ापे में नहीं होते, ये नया काम भगवान की प्राप्ति का भजन बुढ़ापे में नहीं छोड़ सकता। जब न तो बैठा जाएगा, न खड़ा रह जाएगा, न लेटा ही जाएगा, आपको कुछ बर्दाश्त भी नहीं होगा, उस समय ये कैसे कर सकते हो? महापुरुषों ने कहा था
इसीलिए सब काम को धीरे धीरे जवानी में ही अभ्यास कर लो ताकि बुढ़ापे में तुमको परेशानी ना हो। कि कर ले निज काज जवानी में इस दो दिन की जिंदगानी में, मेहमान इस जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती है। रे मूढ़ इसे मत खो देना, तू किसे और कहानी में कर ले निज काज जवानी में इस दो दिन की जिंदगानी में। इशारा क्या किया? निज का, निज माने अपना, अपना कौन है? सिर्फ जीवात्मा तुम्हारी, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, ये भी जरा के लाग कर दिया जाएगा, बाल बच्चे तुम्हारे नहीं, तुमको छोड़ देंगे या तुम्हें को वही जला देंगे। इसलिए निज काम का मतलब अपने जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना और मतलब उसको इसके घर पहुंचाना। ये निज काम अपना उसी के लिए महापुरुष कहते कर ले निज काज जवानी में इस दो दिन की जिंदगानी में, भगवान इसी में मिलते हैं क्यों ढूंढे पत्थर पानी में। कर ले निज काज जवानी में इस पे तू खोज एक गुरु की कर, इससे तू खोज एक गुरु की कर, मिल जाए तो फिर हो जाए निडर और संत कहे निज वाणी में। कर ले निज काज जवानी में इस दो दिन की जिंदगानी में, मेहमान जवानी ही जाती है फिर लौट कभी ना आती है। रे मूढ़ इसे मत खो देना, तू किससे और कहानी में, जिन बात गुरु की ईमानी है और निज घर अपना पाते है। जिन बात गुरु की ना मानी ओ चार पिसे जमघानी में, कर ले निज काज जवानी में। जिन्होंने गुरु की बात नहीं मानी उनको चंदूर जैसे सरसों लाई को गाली बना के पेड़ के तेल निकाल लिया जाता, ऐसे इसको कोलू में जमराज पापुन के कोलू में पेड़ेगा, सजा देगा, दो जन्मर को मिला देगा। तो सारा सारा महापुरुषों ने बात की, लेकिन आपने कभी उनकी बात, तो हमारी आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप सब लोग मदद कर दे। यह सच्चा रास्ता है गुरु की दया का, पानी का। जब गुरु की दया मिल रही होगी तो आपकी संकट खत्म हो जाए, आपकी संकट चली जाएगी। लेकिन बिना भजन के कोई कहे तो कुछ होने वाला नहीं। तो हमारी सभी प्रेमियों से एक ही प्रार्थना है कि आओ प्यारे इस संत शरण में, एक दिन आना जरूर होगा, सत्संग सेवा और भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। कि भूल भरम में ये जन्म कमाओ, सुख शांति को कहीं भी न पाओ, ये जग स्वार्थ इका परिवार एक दिन कहना जरूर होगा। आओ प्यारे इस संत शरण में, एक दिन आना
जरूर होगा इस तन नगरी और तुच्छ देश से एक दिन जाना जरूर होगा चोरी हिंसा और झूठ कमाई पाप पुण्य का भेद न पाई बुद्धि विवेक ज्ञान के खातिर इस सत्संग करना जरूर होगा आओ प्यारे इस संत शरण में एक दिन आना जरूर होगा सत्संग सेवा और भजन गुरु गृहस्थी परिवार छोड़ के कहीं नहीं जाना इसी घर गृहस्थी परिवार में हो पति पत्नी बाल बच्चे एक जिम्मेदारी है तो इनकी परवरिश लालन पोषण पालन के लिए खेती करो दुकान करो दफ्तर करो बिजली प्यार मजदूरी करो लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से करो ताकि किसी का तुम्हारे पर कर्जा न लगने पाए कर्म कर्जा के भुगतान का यह साधन और कार्यम आठ घंटे काम करो उसके बाद शाम को जब घर आओ सोने के पहले भोजन के पहले इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर आत्मा से परमात्मा का भोजन करो इस जिस्मानी मस्जिद में खुदा से रूह की इबादत खुदा से खुदा की इबादत रूह से करो जिस्म से नहीं रूह से जिस्म की इबादत कबूल नहीं होगी क्योंकि जिस्म आपने गंदा कर दिया खान पान गंदा किया मार का हिंसा किया ऐसे अनैतिक हिंसात्मक कार्य करके आपने इस खुदा की बनाई जिस्मानी मस्जिद को गंदा किया लिहाजा अब जिस्म की इबादत कबूल नहीं होगी रूह की कबूल होगी जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है ये रूह से कर इबादत सुबह शाम तू रहम करना ये रहमान का हुक्म है बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं बगैर इसके खुदा का दर्श ये रूह ही खुदा के दरबार में जाती जिसमें तो गड्ढा खोद के गाड़ के दफना देते हो और जिसम से आपने ये सब काम किया और रूह बिचारी खाली पड़ी गई और जब रूह को उस खुदा के न्याय के तट पर जब खड़ा किया जाएगा और खुदा पूछेगा तुमको कोई रहीम ईमान यानी सिखाने वाला कोई पीर पैगंबर और या मुर्शिद कभी फकीर संत महात्मा नहीं मिलते आप क्या जवाब दोगे उसे इसलिए आपको शरीयत हकीकत ऐसा तुम्हारे सामने नसीहत पेश की जाती है इसे समझने की कोशिश करो इबादत का मतलब सड़क में बचाना नहीं ईब आदत ईब माने ऐसी देख भरी रहम दया और खिदमत प्यार मोहब्बत हक हलाल की कमाई इसको इबादत कहते ऐसी आदत को इबादत कहते लेकिन तुमने चिल्लाने को इबादत कह दिया फंस गए थे रात दिन चिल्लाते कोई मिला कोई भगवान खुदा देवी देवता इतने दिन से पूजा कर रहे हो बुला रहे हो शोर मचा रहे हो लेकिन कोई बोला तुम्हारी आवाज तभी आपको पूछना चाहिए था कि भाई क्यों नहीं बोल रहा है बड़ी मेहनत कर रहा हूँ बड़ी श्रद्धा दिखा रहा हूँ आ भगत कर रहा हूँ लेकिन खुदा बोलते क्यों नहीं जब फकीरों से मिलते तो तुम्हारे गुनाहों की बात बता देते और गुनाहों को माफी करा के खुदा का दीदार करा देते ये सब काम फकीरों के जरिए वसीले होता रहा है और होगा तुम अपनी इच्छा से पाना चाहते थे
बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो कलयुग में आपको घर गलती नहीं छोड़ा, कोई शरीर बाप से कोई दाढ़ी वाले कपड़े से साधु नहीं बनता। साधु विचार साधु का एक विचार होता है, तब मन वचन इंद्रियों को साधु या साधु हो या सरकारी सदाचारी ब्रह्मचारी को साधु हो गया, यह साधु न उसका बाकी किसी का नहीं। तो क्या कहा था, केवल तुमको कलयुग में क्या छोड़ना है, जो तुम्हारी आत्मा के चारों तरफ घेराबंदी किए बैठे संस्कृत लोग मोह अहंकार, ये पांच शत्रु पांच ठग और चोर, ये तुम्हारी जीवात्मा की घेराबंदी किए हैं। क्या इन जीवात्मा को इस घेरे से कोई इंसान निकाल सकता है? फिर आप कहने के संदर्भ में देने लगा, अरे जो कांकृत लोगों को घेरे से निकालेगा अब काल के हाथ से जीवात्मा की चोरी को छीने की ताकत रखता है, कोई नाम न देगा। तुमने अभी संतवत को पढ़ा था, संतवत की परमाजन तो कोई नहीं मालूम है, संतवत किसे कहते। तो महापुरुषों ने क्या छोड़ने का इशारा किया कि काम क्रोध मद लोगों को छोड़ो, मन को मोड़ो। कितनी बड़ी बात कहती है, ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूर होगा। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूर जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों समय हो गया, पता नहीं चला तीन मंत्री ने और मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैंने तो केवल इशारा ही आपके सामने किया। एक घंटा आपको पहले बुलाया था कि लोग दूर दूर से आते हैं, रात में दर्शन के बाद देर हो जाती। एक घंटा मैंने पहले चलो सत्संग को बैठे पहले शुरू कर दिया ताकि लोगों को जाने वाले सुविधा हो जाए। तीन दिन का कार्यक्रम एक दिन में बाकी, तो मैं प्रार्थना करूंगा सब लोग अपनी अपनी जीवात्मा के लिए, सब लोग उस गुरु सदगुरु महात्मा से प्रार्थना करो जो तुम्हारी जीवात्मा को चलाने के लिए आया और वादा किया। ऐसे नहीं, अगर तुम जीवात्मा के घाट पर बैठकर सदगुरु दयाल से अपने जीवात्मा के लिए आंसू गिराए होते तो आप तुम सबका संदेह भूल भर में नहीं जाते और न तुमको गुरु की दया से कोई हटाने वाला पैदा हुआ था। लेकिन आपने ये काम नहीं किया, जीवात्मा के लिए आपने आंसू नहीं गिराया, संसार शरीर परिवार के रोते रहे हो और उसी का दुख छुड़ाने के लिए गुरु के पास आए तो तुमने गुरु का दामन छोड़ दिया और फिर वही चले गए हो जहां पहले फंसे थे। घर के भागे घर बसे, बन के भागे घर बसे, घर भागे बसे, जहां से निकल के आए थे फिर वही चले गए, वही लोग लालच में फिर फंस गए। तो पहले मैं बोलूंगा पीछे से आप सब लोग अपनी पूरी जीवात्मा के कल्याण के लिए सदगुरु दयाल से प्रार्थना करें। तो दयाल है, दया करने वाले, लेकिन कुछ कहना पड़ेगा। क्यों? बिन रोए न पाई साहब का दीदार, बिना बिना का आंसू गिराए किसी ने पाया ही नहीं मालूम को, हंसी हंसी कंठ में पायो जिन पायो चिन्ह रो
और हमसे खेले पीऊ मिले तो कौन सी बात है। जिसने पाया है मीरा ने सहजो कबीरा, सबने कहा रो करके मालिक मिलता, और तुमने तो बड़े मियां जी भंडारे चलाए, बड़ी खुशियां मनाई है, तुम्हारे यहां में कभी आंसू गुरु के लिए आया, गुरु के लिए तड़प ही रहे, तुम्हारे में कभी आई है, फिर तुम दया के भाग पर कैसे ठीक पाओगे। तो आपको नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, मेरी सुरती जगा दो गुरु पैया करूं, 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 मन की दुविधा मिटा दो गुरु पैया करूं, मन की दुविधा मिटा दो गुरु पैया करूं, बड़े भाग्य से इंद्र तन पाया, बड़े भाग्य से इंद्र तन पाया, जिसमें भी हारी एक गुण नहीं गाया, सुरती दास सभी बिनो
गुरु हाथ में तेरे डोरी, गुरु हाथ में तेरे डोरी, अन्य घर को पहुँचा दो गुरु पैया पड़ो, घर को पहुँचा दो गुरु पैया पैया पड़ो, गुरु जी इस विनती करूँ मैं, पैया पड़ो गुरु जी विनती करूँ मैं, मन की दुविधा मिटा दो गुरु पैया पड़ो, लेकिन ये कोई नहीं करता। अब यह सबको अपनी करनी का एहसास हो गया
ये लोग ये समझते थे कि जो मैं कह दूंगा वही प्रेमी मान लेंगे, क्योंकि मैं गुरु के साथ रह रहा हूं, नाम नाम दोहरा रहा हूं, हमारे पर सबका विश्वास है, तुम्हारे पर सबका विश्वास, लेकिन तुमने तो विश्वासघात किया, गुरु से कपट और मित्र से चोरी, अब की हो निर्धन की हो कोरी। ये सूत्र है, गुरु से कपट संगत से चोरी की हो निर्धन की हो कोरी। बस इतना ही फार्मूला अवश्य तुम्हारे लिए बहुत है, और ये हमेशा सबके सामने आके खड़ा हो जाएगा, उसमें क्या, उसमें कुछ उसमें तुम्हारे सामने आने ही वाला है। लेकिन समय से जाग जाओ तो आपको कुछ यश मिल जाएगा, नहीं तो बाबा जी ने तो ये कहा तुम सब लोग भग जाओ फिर भी परिवर्तन हो जाएगा। अरे हमको तुम्हारी हमारी तुम्हारी जिस महापुरुष को जरूरत ही नहीं है, ऐसा समय पुरुष आया कहा तुम सब भग जाओ, चाहे आस पर फोड़ के या पृथ्वी को फोड़ के परिवर्तन किया जाए, लेकिन परिवर्तन निश्चित होगा और कोई माई कानून इस परिवर्तन को रोक नहीं सकता है। इतनी जबरदस्त आवाज हो आप कुछ नहीं सोच पाए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया कि जो जिसको इंसानों की जरूरत ही नहीं है, ऐसा समर्थ मालिक आया जिसको किसी की जरूरत नहीं। अरे तो लगे रहो पीछे ऐसे बन जाएगा, नहीं कोई भी बदलो का बदलो या तुम्हारा नहीं बनेगा, ग्वाल वालों का बनो या तुम का नहीं बना, और कोल मिल बंदरों का बनो ठाकुरों का नहीं बना, ये सब छूट गए, सब चले गए, किसी को कुछ नहीं बना। अगर अब की बात छूट गए तो बाबा जी ने कहा मैंने तीसरा साकेत महायज्ञ काशी में करके भगवान शंकर को खुश कर लिया, उनके जो घर है उनको, उनकी जो सेना है भूत पिशाच योगिनी, मैंने सबको भोजन लेके सबको खुश कर लिया, और वो भूत हमसे कह रहा है कि हमको आदेश दे दो मैं सारे हिंदुस्तान को ठीक कर दूंगा। एक ही भूत, लेकिन प्रेमी भूतों का इतिहास के जिम्मे बन जाएगा, लेकिन गुरु के भक्तों का इतिहास नहीं बनेगा। इसलिए गुरु अपने भक्तों का इतिहास बनाना चाहता है, और भक्त ये क्या कह रहे हैं कि इतिहास बनाने वाला मर गया है, इनकी बुद्धि जिनके कहा के लिए जब तुम्हारे इतिहास बनाने के प्रयास में लगा है कि कलयुग में गुरु भक्ति का इतिहास बन जाए, राम भक्तों का बन गया, कृष्ण भक्तों का बन गया, हरि भक्तों का बन गया, लेकिन कलयुग में गुरु भक्तों का इतिहास बनाने के लिए सद्गुरु दयाल आया जिसको आपने समझ पाया, और कहता कि इतिहास बनाने वाला मर गया, तो इतिहास बनाना किसी के बस की बात है तो बना देगा। ये भी तो आपको विचार करके रहना चाहिए, कहा था बच्चा न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता है, न मुझे कोई धंधा सामान से खरीद सकता है, मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्या में रहना पड़ेगा, जो 400 वर्ष रहकर अपने काम को पूरा करने का दावा कर रहा है उसको आपने एक साधारण इंसान समझा है। इतने भी मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, प्रचार करने का, सेवा देने का, नाम भरने का, सुमन ध्यान भजन क्या करने का क्या तुम्हारा मतलब निकला, सब झूठ से तोड़ना क्या मतलब निकाल पाए। तो इस बात पर आपको विचार करो, मैं अपने ये तीन दिवसीय सत्संग समारोह जन्मदिन कल ग्यारह शनिवार इस अभियान का आज दूसरे दिन का कार्यक्रम सभा बंद विराम लिया गया, अभी कल का दिन बाकी है, जो छूट गया उसको भी पूरा कर ली, तुम्हारे में कोई शंका नहीं रही थी, यहाँ कोई शंका भंगा की बातें नहीं की जाती, यहाँ कोई गुटबंदी नहीं बनाई जाती, यहाँ अध्यक्ष मंत्री नहीं बनाया जाता, यहाँ वक्ता प्रवक्ता नहीं बनाया जाता है, यहाँ सेवादार बनो और भजनानंदी बनो, इसी से जीवात्मा का कल्याण होगा और देश समाज का सुधार हो जाएगा, और जीवात्मा का उद्धार ये दोनों का माध्यम हो जाएगी,
यहाँ किसी तरह की बातचीत नहीं, न कोई अपना मर्जी की भी। हमारे गुरु ने हमको भीख मांगना नहीं सिखाया, नाम की युक्ति दी है, कहा इसका अभ्यास करो परमात्मा मिल जाएगा। जिस महात्मा को परमात्मा मिल जाता है उस महात्मा के चरणों पर ये सारी दुनिया की दौलत लोग निछावर कर देती है। सदगुरु दयाल ने कृपा दया करके आपको ऐसे महान युक्ति जीवात्मा को जगाने की, परमात्मा से मिलाने की थी, लेकिन तुम ना युक्ति के समझे न गुरु को समझा। आपकी समझ में दोनों चीजें नहीं है, तो मैं अपनी वाणी को इनसे विनती करूंगा, कोई भूल चूक त्रुटि गलती हो गई आप सब लोग हमें छठन समझ कर हमें थोड़ा माफ करते रहेंगे। अवसर मौका मिलता रहेगा आप सबके दर्शन करता रहूंगा और गुरु के वचनों की याद कराता हूं। मेरा मेरा तीसरा कोई यहां कोई शंका नहीं, न मैं गुरु जी बनता, न स्वामी जी बनता, न कोई महात्मा संत फकीर बनता। हमें बनने की क्या जरूरत है, हम जो है आपके सामने बैठे हैं और बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, इसमें बनने बनाने की क्या बात है, क्या बनने बनाने की बात। तुमको अपने काम से मतलब रखना चाहिए, बाजार में जाते किसी क्या पूछते, पढ़ाई लिखाई पूछते, गांव घर मकान पूछते, उसको गरीबी वरी पूछते, अपना समय ले अपने घर आ रहे, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान और मोर के रक्षा वार का पड़ी रहे दो व्यस्त। साधु महात्मा की कोई जाति नहीं होती, अगर महात्मा जाति देखेगा तो जीवात्मा को जगा नहीं सकता, अगर राजा जात पर देखेगा तो न्याय नहीं दे सकता। इन दोनों के लिए कानून बना हुआ, राजा को तो प्रेमी हो राजा ही कहते लेकिन संत को महाराजा कहते। इतनी ऊंची चीज इतनी बड़ी चीज आपको मिली लेकिन आपने सवाल भी रखे He's so